हेलो गाइस, अभी हमारी नींद खुल चुकी है एंड हम जाग चुके हैं। सो वेलकम एवरीवन टू अवर ब्रांड न्यू व्लॉग। तो आज एक और व्लॉग आ चुका है एंड क्या व्लॉग है वो तो आपको थंबनेल से पता चल गया होगा। एंड यही है कि जल्दी से हम अपनी लोकेशन में पहुंचते हैं। उससे पहले अगर तुम लोगों को व्लॉग पसंद आए तो लाइक करके जाना एंड चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जाना। 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया जिसके लिए आप सभी को बहुत बड़ा थैंक यू। एंड दूसरे चैनल पर भी हमारे 300 हो चुके हैं, तो यार अगर आपने दूसरे चैनल को नहीं विजिट किया तो जाके जरूर विजिट करना। सो गाइज, अभी हम हो चुके हैं तैयार एंड अभी हम निकलने वाले हैं। ये क्या मशरूम लग रहा हूँ मैं। सो गाइस, अगर आपको भी जानना है मशरूम कहाँ और कैसे लगते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक फार्मिंग चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, मेरे दोस्त का है, उसने बताया है। सो यू कैन चेक इट आउट। सो ये हेयर आई हैव माय वॉलेट। सो यहाँ पे आ गया मेरा हैंकी। बेंचो फोन कहाँ गया मेरा। सो अभी हम घर से निकल गए एंड आगे हमारे साथ मोहित भी है, क्योंकि भाई अकेले जाने का तो मज़ा नहीं आता। ठीक है, तो अभी हम जा रहे हैं, पहले हम जाएंगे ट्यूशन एंड ट्यूशन से होते हुए हम वापस जाएंगे आगे, जो आपको बताइए हम आगे जाएंगे ट्यूशन के बाद। एंड रेस्टोरेंट का भाई नाम तो मुझे भी नहीं पता, बस इतना पता फैमिली रेस्टोरेंट लिखा होता है, पता नहीं मोन्टाफे पता नहीं क्या जो भी है भाई, देख लेंगे वहीं जाके। एंड अभी हम जा रहे हैं आगे, मोहित भी है स्कूटी पे, तो भाई आधे रास्ते स्कूटी पे आधे पे गाड़ी पे। एंड अंडर एज है भाई, लाइसेंस नहीं है तो इसलिए पक्की सड़क वड़क पर जा नहीं सकते। बहन जो कहीं पता चले आगे चाचे खड़े हैं। एंड मैं सोच रहा था भाई आगे अगर स्किट टाइप वीडियोस होती हैं, जो फेस कैम वीडियो जैसे अभी मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ, इसी तरह की वीडियोस जो होती हैं दूसरी वाइंस वीडियो, अगर तुम लोगों को चाहिए यार प्लीज़ कमेंट करके बताना, ताकि मेरे को पता चल जाए कि उस तरह से सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं भी सोच रहा, जैसे आपने देखा होगा तो एग्ज़ाम क्या था, एग्ज़ाम आ गए करके थी ना हमारी वीडियो, उस पर तुम लोगों ने देखा होगा जैसे वो वीडियो थी, वैसी अगर चाहिए तो यार कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि यार वैसी वीडियोज़ भी काफ़ी ज़्यादा चलती हैं। एंड अगली वीडियो हमने सोची थी जब कोई एग्ज़ाम हो जाएंगे हमारे, तो ये वाला हमारा बैच जब ख़त्म होगा उसके बाद हम सोच रहे थे एक और वापस सीरीज स्टार्ट करें, अगर ये वाली ख़त्म होगी ठीक है, क्योंकि इसमें इतना तगड़ा सपोर्ट मिला नहीं। एंड तुम लोगों ने अगर पार्ट नहीं देखा यार ज़रूर जाके देखना, एंड वो सीरीज़ का भी देख लो उसको, तो फिर हम इसी को कंप्लीट कर लेंगे, नहीं तो हम कोई दूसरी शूट कर लेंगे, कोई और भी सोच लेंगे तब तक। भाई तुम लोग देख सकते हो, ये देखो सुनसान सड़कें, भाई पूरी सुनसान सड़कें, ये सर्दियाँ हैं या गर्मी है भाई साहब। ये हमारी यहाँ की लोकल गाड़ी है भाई साहब, इतना रेंगता हुआ आ रहा है, ये इससे तेज कछुआ चल लेगा। मेरे को गाइस अभी हमारे साथ हैं फार्मिंग चैनल के ओनर मिस्टर मोहित, कुछ बताइए अपने चैनल के बारे में। मेरा चैनल है फार्मिंग रिलेटेड, अगर आपको फार्मिंग रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए हो तो मिस्टर वंश अपने कमेंट सेक्शन में चैनल का लिंक डाल देंगे, तो वहाँ से डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कमेंट इसके लाइक नहीं है, मैं कमेंट में कुछ भी लिखूंगा, तो अगर आपको कोलैबोरेशन चाहिए तो कमेंट करो तो मिल जाएगी। ओके जल्दी। और इसके नाम पे मेरे को व्यूज आने चाहिए, इसकी पब्लिक व्यूज आने चाहिए मुझे, 1000 व्यूज इस वीडियो में आना चाहिए। कोई तो आज बड़ा सेक्सी सा बन गया ट्यूशन, वैसे तो सुबह कंबल से उठ के आ जाते हैं, खुश देखो कैसे हो रहे हैं, देखो उधर रास रास ये खींच रहा है मिस्टर टोपा, चाबी ऐसी हो रही है, टोपा कैरेक्टर आपको पता होगा। जूते देखो भाई, राकेश जॉर्डन के जूते हैं क्या, डुप्लीकेट है और डुप्लीकेट सही है भाई, देखो किस तरह चमका के लाए और मेरे देखो कितने गंदे, इधर बक्स रख कर इधर क्या देख भाई कितना मतलब बेकार यूट्यूबर के, ये देखते हैं निकाल लूं क्रोम खोलूं। बड़ा बेकार बंदा, वैसे नहीं बोलूंगा, ऊपर बैठ कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, देख लो खौफ देख रहे हो भाई का, खौफ देख रहे हो। तो आप देख सकते हो सड़कों का क्या हाल है भाई, अगर यहाँ से कोई नीचे गिरे ना सुसाइडियल पॉइंट है बहन, देखो वहाँ देख सकते हो। तो आज संडे है एंड हमारे साथ एक बंदा और जुड़ चुका है, ये बोल रहा मेरे को भी चलना पैसे कल दे दूंगा, तो हम भाई अमीर बंदे हैं बहुत पैसा है मेरे। सो आज संडे है तो क्या चक्कर है भाई, संडे को क्या है कि गाड़ियाँ नहीं होती, सीनियर रहता है, तो आज ही अभी हमको जाना पड़ेगा।
तो अभी हम पैदल ही चल रहे हैं, कोई गाड़ी मिल जाए तो बहुत अच्छा है। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं रेस्टोरेंट के अंदर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये हमारे करण जी चिकने चपाक के साथ में मोहित जी को मैच्योरिटी ग्रो जा रही। आते ही डाकू हो चुके हैं। बैठे देख सकते हो आप, नियर सेकंड पेट्रोल पंप सियोट सामने है उसके बिल्कुल मोंटा फिफ्थ। क्या क्या नाम है, मोंटाना रेस्टोरेंट। तो गाइस अब हमने ऑर्डर दे दिया है और यहाँ की जो फील है भाई साहब, क्या फील है, फील अरे पैसा देगा नेक्स्ट संडे पक्का, 500 रुपये लेके आएगा पक्का। देख लो अगर पप्पू अंकल आप देख रहे हो ना लड़के को पैसे मत दिया करो। ओए पप्पू अंकल आप देख रहे हो, लड़का क्या बोल रहा है क्या। और यहाँ पे मेरे को टाकू हो चुका है, हम पानी पी जा रहे हैं। पानी में सॉस, पानी में सॉस डाल के पिए, पानी में प्लास्टिक में वाइन पिएगा, फील क्या है ये। नहीं नहीं मतलब कांच के हो तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमको आते समय मेरा बैग हो चुका है पंचर। बैग इसका बैग पंचर हो गया, बैग पंचर का बैग पंचर हो गया। बैग पंचर में एक, लेकिन मेरा बैग पंचर हो गया आज भाई। क्या राइड मारी जीएसटी ट्रैवलर के पीछे पड़ने वाली करामात थी, ट्रैवलर के पीछे पड़ा जिस कारण भाई हमने 20 फुट नीचे छलांग मारी मिट्टी पे, कपड़े इनके पूरे गंदे हो गए नीचे, देखोगे दिख नहीं रहा आपको। गाइस हमने एक एक कप और भर लिया, अब हम एक एक कप और पानी पिएंगे खाना आने से पहले। पहले ही भाई हमने पूरा पेट भर देना। मुझे कपड़ा पसंद है, ये बंदा फोन में लगा रहा है, इस कप को बैग में डाल दूं पर डाल दे, कौन पूछ रहा है। नहीं यार भाई देखो चोर आ गया नंदानी के यहां पे। नहीं मैं डाकू एक नंबर दा हां। करण की किस्मत चमक चुकी है गाइस, करण को मिल चुका है इसका वेज सैंडविच। ये बंदा पहली बार वेज सैंडविच खा रहा है। सर टमाटर नहीं डालने दे, मेरे को भी फील करा यार। तो बड़ा नाइस बंदा, एक पीस मेरे को दे यार। तो गाइस 40 रुपए की चीज़ 2 घंटे वेट करने के बाद 2 मिनट में गाइस चीज़ कहाँ है इसमें बहनचोद, वेज है। चल लास्ट में पे लेजिट रिएक्शन, लेजिट ले 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 मेरे से ले ले। और यहाँ पे हमारी आ चुकी है थाली, दिस इज पनीर मटर पनीर, क्या है छोले पनीर, ये क्या हो, ये है राजमा की दाल, ये चावल सेक्सी से, ये क्या है दही, और ये सैलड। एंड तो गाइस आपको भाई बहुत सुपर फास्ट है, मैंने तो खा ली भाई, ये आराम आराम से खा रहा है, इसको ज़्यादा हो गई है 150 की ज़्यादा प्लेट हो गई है, ज़्यादा हो गई है। और ये करण जी जो बहन जो हमारे पास में उठ के जा रहा सामान अगली बार इसके नाम पे ट्रीट, 1 लाइक फॉर करण ओपी अगले जन्म में। नहीं अभी आएंगे हम, तरीके लाएंगे। सो बेसिकली जो ये हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट, तो हमारे 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए, तो हमारे साथ रोहित अवेलेबल नहीं था एंड सौरभ भाई अवेलेबल नहीं थे जो हमारी टीम के मेंबर हैं। तो यार फिर हमने डिसाइड किया, मैं और मोहित वहीं से ट्यूशन जाते हैं, तो हमने बोला 5 मतलब 20 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो वहीं से हम रेस्टोरेंट होके आते हैं। लोकेशन आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, अगर आप कहीं भी सुंदरबनी नौशहरा एरिया में अगर विजिट करना चाहते हो तो कर देना। एंड अपना अगर मैं इसका पर्सनल ओपिनियन बताऊँ तो यार जो भी देखो अब रेस्टोरेंट होते हैं जो भी बड़े बड़े जैसे भी, इनमें सर्विस का काफ़ी ज़्यादा इशू होता है। तो सेम चीज़ इसी में है कि भाई चीज़ देने के बाद काफ़ी ज़्यादा इसमें मतलब बंदे होते हैं, तो उस वजह से क्या होता है सर्विस डिले बहुत ज़्यादा आता है। तो मैं अपने रिव्यू की बात करूँ तो मुझे ठीक ठाक लगा, मतलब खाने में तो कोई भी ऐसी कमी नहीं थी। हमने तो पहली बात है एक स्पेशल थाली करी थी ऑर्डर, जिसमें हमको खाने में तो भूख लगी थी, तो भाई अब इतना फास्ट फूड वगैरह तो हम खाते नहीं रेस्टोरेंट में जाके, तो फिर हमने खाना किया, तो भाई खाना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। मतलब इवेंचुअली मैं बताऊँ तो काफ़ी ज़्यादा फ्लेवर्स थे, जैसे दाल हो गया
एंड अगर तुम लोग इसे अपर थाली में जाओगे, मतलब तुम्हारा पैसा है, तो तुम लोग दाल मखनी वगैरह ये ले सकते हो, जो कि भाई ऑब्वियसली बात है काफ़ी ज़्यादा सही करेगा। उसके बाद हमने भाई साथ में, मतलब हमको थाली के साथ में काफ़ी और चीज़ें मिलती खाने को, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगी। तो तुम लोग जाके एक बार ज़रूर विजिट देना। सो बाय बाय। ये बोल रहे क्या, सुनाई नहीं दे रहा ब्रो, मत बोल मेरे को भाई नहीं तेरा, बोला आएगा टाइम नहीं मेरा, अब